स्वाध्याय यानी कि जैन साधु के प्राण। स्वाध्याय के विषय में पूज्यदान रत्न विजय जी महाराज साहब को कितनी रुचि थी। प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 14। संयम अंगीकार करने के साथ ही पूज्यदान रत्न विजय जी महाराज साहब की स्वाध्याय साधना भी शुरू हो गई थी। 4 प्रकरण 3 भाष्य 5 कर्म ग्रंथ तो संसारी अवस्था में ही कंठस्थ कर दिए थे। अब उसके अर्थ की वाचना शुरू हुई। उनकी मेधा ऐसी तीव्र थी कि सामान्य व्यक्ति को कर्म ग्रंथ पढ़ते हुए जो प्रश्न उठते थे, वे प्रश्न उन्हें जी विचार पढ़ते वक्त ही उठने लगे। संस्कृत बुक का अध्ययन करते समय नियमों के विषय में उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए कई बार गुरुदेव श्री को व्याकरण ग्रंथ में देखकर जवाब देने पड़ते थे। उनकी विचक्षण बुद्धि देखकर आचार्य भगवान श्रीमद विजय पुण्य रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इनका क्षयोपशम न्याय और कर्म ग्रंथ में विशेष खिलने वाला है। न्याय यानी कि तर्कों से किसी भी चीजों का खंडन मनन। संस्कृत करने के बाद त्रिषष्टिशिला का पुरुष चरित्र का वांचन मुनिराज ने मात्र 8 महीनों में शेषकाल के विहार के साथ संपूर्ण किया। स्वाध्याय में ऐसे अप्रमत्त थे कि पढ़ते वक्त जो भी प्रश्न उठते उन्हें एक कागज पर लिखकर रखते। विहार करते समय कागज निकालकर चलते चलते गुरुदेव से उन प्रश्नों का समाधान प्राप्त करते। समय के सदुपयोग का यह गुण देखकर गुरुदेव अंदर ही अंदर खूब प्रसन्न होते। नाकोड़ा जी में चातुर्मास में गुरुदेव ने मुनिराज को न्याय के अध्ययन में प्रवेश करवाया। उन्होंने बड़े गुरुदेव की भविष्यवाणी सच कर बताई। अपनी तीव्र विचक्षण सूक्ष्म प्रज्ञा से न्याय के जटिल पदार्थों की गहराई को छूकर अध्यापक को करिश्मा कर बताया। छोटी उम्र में न्याय के कठिन पदार्थों को सरलता से समझने की उनकी अद्वितीय प्रतिभा थी। न्याय का तलस्पर्शी अध्ययन करने पर भी उनका सम्यक दर्शन इतना निर्मल था कि उस अध्ययन का उन पर विपरीत असर नहीं हुआ। न्याय मात्र उनके दिमाग में ही था, उसे उन्होंने मन और जीवन में पहुंचने नहीं दिया। किसी के साथ भी कभी भी कुतर्क लगाकर अपनी बात को सच साबित करने का तुच्छ प्रयास उन्होंने कभी भी नहीं किया। मुनिश्री यश रत्न विजय जी महाराज साहब और मुनिश्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब के पास प्रमाण नए तत्वालोक का अध्ययन कर जैन दर्शन, स्यादवाद, षट दर्शन का बोध प्राप्त कर जिन शासन की दिव्य दृष्टि का स्पर्श प्राप्त किया। सबसे छोटे होते हुए भी सभी परीक्षाओं में उनका पहला नंबर रहता था। न्याय के अध्ययन के सिवाय 4 प्रकरण 3 भाष्य 6 कर्मग्रंथ, दशवैकालिक सूत्र, वीतराग स्तोत्र, शांत सुदारस प्राय 12 भावना तक इतना तो उन्होंने कंठस्थ किया था और अस्वस्थता में भी पुनरावर्तन करते थे। 5 काव्य, त्रिषष्टिशिला का पुरुष चरित्र, हीर सौभाग्य काव्य, 2 सर्ग, प्रकरण भाष्य, 2 कर्मग्रंथ अर्थ सहित, पिंड विशुद्धि, पिंड निर्युक्ति, पंचवस्तुक अधूरा, प्राकृत बुक, पाई अविनाण कहा, सम्रादित्य महाकथा अधूरी वगैरह का उन्होंने अध्ययन किया था। अस्वस्थता बढ़ने लगी तब स्वाध्याय की अनुकूलता न रहने पर कुछ ग्रंथ अधूरे ही रह गए। उनकी विचक्षणता और पदार्थों को गहराई से समझने की कुशाग्रता के कारण सभी विद्यागुरु के वे चहीते विद्यार्थी बने। न्याय का अध्ययन इतनी मेहनत से किया कि जटिल पदार्थों को मात्र समझने से उन्हें तसल्ली नहीं होती थी, लेकिन समझे हुए पदार्थों को लिख कर ही चैन की सांस लेते थे कि हाँ, अब मुझे बराबर समझ में आया। परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद् विजय अभयशेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। धन्य माता जिनकी कुक्षी से जन्म लिया, धन्य पिता जिनके कुल में अवतरण हुआ, धन्य गुरु जिन्होंने दीक्षा दी, स्वभाव सुंदर, साधना सुंदर, समर्पण सुंदर, स्वाध्याय सुंदर, सहनशीलता सुंदर, समता सुंदर, समाधि सुंदर, मान लो कुछ असुंदर था ही नहीं। अद्भुत साधु जीवन जी रहे थे और रोग रूपी राहु का उपद्रव हुआ, क्यों इतना दुबला पतला शरीर बन गया, जानेंगे एपिसोड 15 में। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम, इच्छा में दुकड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।